तीखा, चटपटा, मज़ेदार, बिना पनीर के ही मिनटों में होटल जैसा चिली पनीर। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बिना पनीर के ही चिली पनीर की ऐसी ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी, जिसे आप कभी भी घर पे बना सकते हैं, चाहे आपके पास में पनीर की सुविधा हो या ना हो। तो नमस्कार, मेरा नाम है अलीशा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल देसी तड़का विद अलीशा में। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के लिए हुए हैं कच्चे आलू, जिनको मैंने इस तरीके से छील लिया है। और इसके बाद में हमें इसके करने हैं पीसेस। यहाँ पे आलू को इस तरीके से खड़ा करने के बाद में हम इसको इस तरीके से काट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें आलू के चाहिए स्क्वायर और थोड़े से लंबे शेप। अच्छा, यहाँ पे आप कोशिश करें कि आप आलू थोड़े से बड़े ही लें। बहुत छोटे अगर आप आलू लेंगे ना, तो उतने बढ़िया पीसेस इसके कट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से आप फटाफट इनको कट कर लीजिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आपको क्वांटिटी जिस हिसाब से भी रखनी है, आप इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके के कुछ हमें पीसेस रखने हैं और बाकी के आलू को भी मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है। और इसको हमें करना है थोड़ा सा बॉयल। इसके लिए गैस पे चढ़ाई मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में थोड़ा सा डाला है पानी और थोड़ा सा डाला है इसमें नमक। इसके बाद में जब पानी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद में जो हमने आलू के पीसेस कट करके रखे हुए थे ना, उन पीसेस को हम इसमें डाल देंगे और इसको करीब 5 से 7 मिनट तक की मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे। यहाँ पे हमें आलूओं को ओवर कुक नहीं करना है या इसको बिल्कुल नहीं पकाना है, मतलब इसको हमें 50% तक ही कुक करना है। इससे ज़्यादा हम इसको बिल्कुल भी कुक नहीं करेंगे। और ये देखिए, हमारे आलूओं को पकते हुए करीब 5 से 7 मिनट हो चुका है और यहाँ पे इसका जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो भी बाहर आ चुका है। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। और ये देखिए, मैं करछी से आलू को निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, हल्के से ये ट्रांसपेरेंट से दिख रहे हैं ना, बस इतना ही हमें इनको कुक करना है। इससे ज़्यादा हम इसको बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी चिली पनीर की जगह आलू का भरता बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए गैस की फ्लेम को करते हैं फटाफट बंद और इनको निकाल के रख लेते हैं हम साइड में। और ये देखिए, यहाँ पे करीब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू भी हल्के से ठंडे हो चुके हैं। यहीं पे हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और इसी के साथ में हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। अच्छा, आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी कोटिंग करने के लिए, या फिर आप यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास में नहीं है, तो आप यहाँ पे चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपकी कोटिंग काफ़ी बढ़िया होगी, क्रिस्पी होगी। और इसी के साथ में थोड़ा सा डालेंगे हम यहाँ पर नमक, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ी सी हरी धनिया। अगर आपके पास में हरी धनिया हो तो आप ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से हाथों से मिक्स कर लेंगे, ताकि आलू के एक एक पीस में बढ़िया से कोटिंग हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो चिली पनीर के लिए जो आलू की कोटिंग है ना, वो काफ़ी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं बार बार इसको चिली पनीर बोल रही हूँ, लेकिन ये चिली पनीर नहीं है, एक्चुअल में ये चिली पोटैटो है। ये वो वाला चिली पोटैटो नहीं है, क्योंकि इस चिली पोटैटो को तैयार किया है मैंने कुछ नए ट्विस्ट के साथ में। और यहाँ पे ये देखिए, बढ़िया से आलू में कोटिंग हो चुकी है और इसमें हमें बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर था, इसी से ये कोट हो गया। दूसरी साइड में हम गैस पे चलाएंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में बढ़िया से जब तेल हमारा गर्म हो जाए, इसके बाद में जो हमने आलू की कोटिंग करके रखी हुई थी ना, उन आलुओं को हम इसमें डाल देंगे। और करछी से लगातार आप इसको इस तरीके से चलाते जाइए, क्योंकि जो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, तो इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि आलू के पीसेस आपस में चिपक जाते हैं। तो इस वजह से आपको करछी से इसको एक बार दो बार चलाना ज़रूरी होता है। जब ये हल्के से निकल जाए, इसके बाद में आप इनको निकाल लीजिए। और ये देखिए, हमारे जो आलू हैं, इनमें कलर भी थोड़ा सा बढ़िया आ गया है। फटाफट इनको निकाल के रख लेते हैं साइड में। दूसरी साइड में गैस पे चढ़ाएंगे हम पैन, और पैन में मैंने करीब डाला है इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। जब तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो जाए, इसी के साथ में 1 इंच अदरक के टुकड़े को क्रश करके डाल दिया है। इसी के साथ में 5 से 7 लहसुन को भी इस तरीके से बारीक बारीक सा चॉप करके डाल दिया है। दोनों चीज़ों को बढ़िया से हम अच्छे से चटक जाने देंगे। इसी के साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ के प्याज को, जिनको मैंने इस तरीके से लेयर्स में निकाल लिया है।
और साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ शिमला मिर्च, क्योंकि चिली पोटैटो बन रहा है तो शिमला मिर्च तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास में एक ही कलर की शिमला मिर्च थी, अगर आपके पास में रेड या येलो कलर की भी शिमला मिर्च है ना तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। दिखने में बहुत सुंदर लगती है और साथ ही साथ हेल्दी भी होती है। सारी चीज़ों को हम बढ़िया से चला लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें इसको ढक के बिल्कुल भी नहीं पकाना है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट या होटल वाली जो चिली पनीर होती है ना वो हल्की सी क्रिस्पी होती है, मतलब उसमें सब्जियों का क्रंच रहता है, तो इस वजह से हम सब्जियों को पूरा कुक नहीं करेंगे, मतलब 80% ही कुक करेंगे। और इसी के साथ में हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नमक। अच्छा, नमक आप यहाँ पे थोड़ा सा संभाल के डालिएगा, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं और जो सॉस वगैरह भी हम आगे ऐड करेंगे उसमें भी नमक होता है, तो नमक का आप ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको करीब 4 से 5 मिनट बढ़िया से भून लिया है। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ सोया सॉस, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच डाला हुआ है टमाटो केचप। अच्छा, यहीं पे अगर आप थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं या फिर ग्रीन चिली सॉस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को इस तरीके से आप चला लीजिए ताकि हमारी जो सब्जियां हैं सॉस में बढ़िया से मिक्स हो जाएं। और इसी स्टेज पे डालेंगे हम यहाँ पे 1 बड़ा कप पानी। पानी हम यहाँ पे थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि जो ग्रेवी होती है ना इसकी बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं रहती है, थोड़ी सी थिक ग्रेवी रहती है। और इसी तरीके से हम इसको करीब 5 से 7 मिनट पकने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच वेज मंचूरियन मसाला। इस मसाले से ना आपकी ग्रेवी में वही खुशबू वही फ्लेवर आएगा जो कि होटल रेस्टोरेंट में आता है। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के डाल दिया है ताकि ग्रेवी को यहाँ पे थिक बनाया जा सके, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट वाले भी यही करते हैं, ग्रेवी को थोड़ा सा थिक बनाने के लिए यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का या फिर अरारोट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से करीब 5 से 7 मिनट इसको और पकने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद में ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है जैसी हमें चाहिए थी थिक थिक सी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है। और यहीं पे इसी स्टेज पे हम डालेंगे अपने फ्राई किए हुए पोटैटो को। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आलू से इसको नहीं बना रहे हैं, आप इसको पनीर से बना रहे हैं, तो आप इस स्टेज पे पनीर को डाल दीजिए और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, सिर्फ आप इसको 1 बार 2 बार चला लीजिए और करीब इसको 2 से 3 मिनट तक की इसी तरीके से खुले में पकाइएगा। और ये देखिए करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे चिली पोटैटो को पकते हुए। और ये देखिए इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद, क्योंकि हमारा जो चिली पोटैटो है वो ऑलमोस्ट बनके हो गया है तैयार, क्योंकि ये रखने से थोड़ा सा और भी गाढ़ा होता है। तो चलिए फटाफट गर्मा गर्म करते हैं हम इसको सर्व। और ये देखिए बिल्कुल लग रही है ना एकदम होटल रेस्टोरेंट जैसी, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी ऐसी ही मिलती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।